नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप दौरे की दिलचस्प और खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। पीएम मोदी ने स्नॉर्कलिंग की फोटो शेयर करते हुए कहा कि जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर शामिल होना चाहिए। मैंने स्नॉर्कलिंग का प्रयास किया, ये आनंददायक अनुभव है। पीएम मोदी ने समुद्र किनारे सैर करते हुए तस्वीरें शेयर की है। फोटो में पीएम कुर्सी पर बैठे समुद्र का नजारा देखते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुवार को एक्स पर पीएम ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, मैंने अपने इस दौरे में स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाया है, क्या शानदार एक्सपीरियंस था। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि प्राकृतिक सुंदरता के अलावा लक्षद्वीप की शांति भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। इस शांत वातावरण ने उन्हें ये सोचने का मौका दिया है कि 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण के लिए और भी ज्यादा मेहनत कैसे की जाए। स्नॉर्कलिंग के अलावा पीएम मोदी ने खूबसूरत बीच पर मॉर्निंग वॉक करते हुए तस्वीरें भी साझा की हैं। पीएम मोदी ने यह भी लिखा है कि लक्षद्वीप सिर्फ द्वीपों का एक समूह नहीं है, यहाँ परंपराओं की एक विरासत है और इसके लोगों की भावना एक प्रमाण है। मेरी यात्रा सीखने और बढ़ने की एक समृद्ध यात्रा रही है। पीएम मोदी ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा कि मुझे लक्षद्वीप के लोगों के बीच रहने का अवसर मिला, मैं अभी भी इसके द्वीपों की अद्भुत सुंदरता और यहाँ के लोगों की अविश्वसनीय गर्मजोशी से आश्चर्यचकित हूँ। मुझे अगती, बंगराम और कवर्ती में लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला, मैं द्वीप के लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ। आगे पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य विकास के माध्यम से लोगों का जीवन का उत्थान करना है। भविष्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण के अलावा बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, तेज इंटरनेट और पीने के पानी के अवसर पैदा करने के साथ साथ जीवंत स्थानीय संस्कृति का जश्न मनाने के बारे में भी है। वह इसी भावना को दर्शाते हैं। वहीं पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में जिस स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाया है, वो स्नॉर्कलिंग आखिर होती क्या है, ये सवाल भी आप लोगों के मन में होगा। तो बता दें कि स्नॉर्कलिंग में मास्क और ब्रीदिंग ट्यूब, जिसे स्नॉर्कल्स कहा जाता है, का इस्तेमाल करके पानी की सतह के पास तैरते हैं। स्नॉर्कल्स के जरिए लोग पानी के नीचे के अद्भुत दृश्यों का लुत्फ उठाते हैं। इसमें पानी में गहराई तक गोता नहीं लगाया जाता है। साल 2021 में दुनिया में जाना जाता था कि पीएम मोदी को एडवेंचर भी पसंद है। तब वे डिस्कवरी चैनल के पॉपुलर शो मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर ग्रिल्स के साथ नजर आए थे। बियर ग्रिल्स ने पीएम मोदी को स्थिरता और हौसले का उदाहरण बताया था। दोनों ने ही उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी सर्वाइवल स्किल्स को आजमाया था, जिसे देख लोगों को पीएम मोदी के व्यक्तित्व का अलग ही हिस्सा देखने को मिला। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।